जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस और मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आज हम बात करेंगे मिशन पटवारी, जो कि मिशन पटवारी की क्लासेस चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपको रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी, हॉस्टल वार्डन, साथ में SSC जैसे एग्जाम में भी काम आएगी। आज की टॉपिक है एक्सेल और पावर पॉइंट। उसको चालू करने से पहले मैं कुछ आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट नंबर वन कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हमारे चैनल में विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे, इससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। अगला चीज़, अगर आप मिशन पटवारी में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी पेड क्लासेस चल रही है ना, ज्वाइन टू पेड ग्रुप है ना। इसमें हम आपको क्या क्या फ़ायदा देंगे, इस पेड ग्रुप का फ़ायदा है कि आपको छत्तीसगढ़ की PDF, मैथ्स की PDF, रीजनिंग की PDF, छत्तीसगढ़ भाषा, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर, करंट अफेयर, इंग्लिश प्लस GK की PDF भी आपको हम देंगे। बस क्या करना है आपको, इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात करना है, ठीक है, पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब हम चालू करते हैं आज का टॉपिक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या होता है यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, बिल्कुल ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जिसका उपयोग डेटा टेबल को व्यवस्थित करने में किया जाता है। इससे कोई मतलब मत रखो, इसको रो और कॉलम से मिलाकर बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, PDF दूंगा मैं, उससे पढ़ लेना, पर PDF केवल पेड ग्रुप के बच्चों को दिया जाए। इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, जिसको हम समझते हैं। टाइटल पर क्या होता है, वह डॉक्यूमेंट की ऊपर की पट्टी होती है ना, ऊपर की पट्टी होती है जिस पर फाइल का नाम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज जैसे बटन होते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि मिनिमाइज बटन माइक्रोसॉफ्ट में कहाँ होता है, तो वो टाइटल बार में होता है, क्वेश्चन ऐसे बनाएगा। स्टैंडर्ड टूल बार, इसमें नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल खोलना और फाइल को सेव करने जैसे बटन होते हैं। मेन्यू बार, इस पर होम पेज पे लेआउट, इंसर्ट जैसे आदेश होते हैं, जिसे हम एक्सेल शीट पर काम करते वक्त इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिबन, या एक टाइटल बार के नीचे की पट्टी होती है, टाइटल बार के नीचे की पट्टी होती है जिसमें बहुत सारे आदेश होते हैं। एक्सप्लोरर बार क्या होता है, यह डॉक्यूमेंट विंडो नीचे की तरफ दाई ओर होता है, यह डॉक्यूमेंट विंडो के नीचे की तरफ दाई ओर होता है, बिल्कुल स्थान पूछ सकता है। वर्क एरिया, जहां पे हम काम करेंगे, लिखेंगे, उसी को हम वर्क एरिया कहते हैं। सेल क्या होता है, इसमें स्प्रेडशीट का वर्क जिस पर हम कार्य करते हैं, बिल्कुल ये जो एरिया होता है ऐसे ऐसे होता है, उस पर हम कार्य करते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट है, अगला आराम से समझेंगे ना, हल्का जूम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, हल्का सा सेट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। देखो, ये होता है सेल एड्रेस, वर्क एरिया की ऊपर की बाई ओर होता है, सेल पर कर्जर या नाम यही लिखा होता है कि किसी विशेष सेल के जाने के लिए एड्रेस टाइप कर इंटर करने पर हम उस सेल पे पहुंच जाते हैं। एक्चुअली में सेल वो होता है जिसमें हम पूरे काम करते हैं, ठीक है ना। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट ही फैक्ट निकालने आपके एग्जाम के लिए, आपको एकदम लेंदी पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। अगला, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है फॉर्मूला फंक्शन, यह मेन्यू बार पर होता है, इतना याद रखना, फॉर्मूला फंक्शन मेन्यू बार पर होता है, जिसमें विभिन्न मैथमेटिक फंक्शन, लॉजिक फंक्शन, गणना इंसर्ट होती है, ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ भूलना नहीं। एग्जाम्पल, सम मतलब जोड़ना, एंड इफ, लॉकअप, एवरेज, डेट, एक्सट्रा, जितने भी होते, इससे एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया है, तो केयरफुली इसे रीड करना। अगला होता है पेज सेटअप, बिल्कुल इससे डॉक्यूमेंट का साइज, उसका लेआउट, उसका मार्जिंग, ये सब कुछ पेज सेटअप में जाके किया जा सकता है, बिल्कुल ये पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड, ये सब कुछ पेज सेटअप में होता है, आप बिल्कुल इसको समझना, ठीक है। पर क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ से ही पूछा गया है। अब कुछ देखेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट के शॉर्टकट की, जो कि आपके एग्जामिनर को बहुत पसंद है यहाँ से क्वेश्चन देना। पहला शॉर्टकट ही होता है F2। F2 क्या होता है कि चुने हुए सेल को एडिट करना, आपने कुछ भी काम किया है तो आप F2 दबा के उसको एडिट कर सकते हो। अगला है F5, किसी विशेष पर जाना। अगला है F7, किसी चुने हुए टेक्स्ट की स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम F7 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होता है करेंट टाइम एंटर करना, कंट्रोल प्लस होता है करेंट दिनांक एंटर करना, ऑल्ट शिफ्ट F1 नई वर्कशीट इंसर्ट करना। इस सारे चीज सिर्फ पैड ग्रुप वाले को ही PDF में दिया जाएगा, और पैड ग्रुप में जुड़ना कैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बाकी जो पैड ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते कॉपी में नोट जरूर कर लेना। अगला होता है देखेंगे शिफ्ट F3, क्या है ये शिफ्ट F3 एक्सेल फॉर्मूला विंडो खोलना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। शिफ्ट F5 सर्च बॉक्स के लिए खोलना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल F10 करेंटली चुने गए वर्कशीट को मैक्सिमाइज करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। F6 खुली ही वर्कबुक्स विंडो के मध्य एक दूसरी वर्कबुक्स विंडो के जाने का रास्ता है ना। F6 में आप दो काम करते चीज़ों को स्विच कर सकते हैं। कंट्रोल पेज अप या एक्सेल डॉक्यूमेंट एक्सेल वर्कशीट के बीच मूव करता है। देखो जो बच्चे कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते होंगे वो ये सब चीज़ उनको बहुत हार्ड लग रहा होगा, पर इसकी PDF आप रेगुलर पढ़ोगे और MCQ क्वेश्चन करोगे तो आपको सरल लगेगा। कंट्रोल पेज डाउन यह एक्सेल डॉक्यूमेंट में वर्कशीट के बीच मूव करता, मूव करता मतलब जाना आना होता है ना। अगला कंट्रोल टैब दो एक्सेल फाइल के बीच को मूव करना, कंट्रोल स्पेस संपूर्ण कॉलम को चुनना, शिफ्ट स्पेस संपूर्ण पंक्ति को चुनना, कंट्रोल इंटर मैनुअल पेज को बदलना, कंट्रोल एल डिलीट कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर के टास्क मैनेजर को खोलना, और कंट्रोल दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य करता है। देखो पहला चीज इसकी PDF दूंगा तो आप इस 18 शॉर्टकट को रट डालो, MCQ कराऊंगा तो उसको कर लो, इससे आपका यहां से क्वेश्चन निकलेगा तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि वर्कशीट यह अनेक सेल समूह होते हैं। मैं क्या बताया कि सेल और वर्कशीट दोनों एक ही प्रकार का होता है, जहां डाटा रखा जाता है प्रोसेस किया जाता है। वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहलाता, दोनों एक ही चीज है। वर्कशीट रॉ और कॉलम में बटे होते, बिल्कुल समझा चुका हूं। वर्कबुक वर्कशीट के संग्रह को ही हम वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स है ये, इसको बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। अगला हम चलते हैं पावर पॉइंट पे, पावर पॉइंट के शॉर्टकट की देख लेते हैं क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछ सकता है। कंट्रोल इंटर अगले स्लाइड में जाना, कंट्रोल एम नए स्लाइड को डालना, F5 प्रेजेंटेशन शुरू करना, आई एंटर प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड के पहले पेज पर जाना, F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना, F12 ओपन या सेव या डायलॉग बॉक्स खोलना, ठीक है। इतना ही करना पावर पॉइंट में, उससे ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। ये याद रखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखो, जब इसकी MCQ कराऊंगा तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। आपको पावर पॉइंट में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, जिसमें हम फाइल को सेव करते हैं, जैसे होगा टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन, ये होगा टेक्स्ट फाइल का .txt, जावा का .e, देखो .e जावा, डॉस का .doc, ये देखो ये चीज़ नहीं भूलना, ये पूछता है कि पावर पॉइंट में वर्ड कैसे सेव होता है। अब कुछ वीडियो फॉर्मेट देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछेगा। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप को बोलते हैं .mpeg, फ्लैश वीडियो फाइल को बोलते हैं .fiv, mpeg है .mpeg, MPEG4 वीडियो फाइल को बोलते हैं .mp4, ऑडियो वीडियो फाइल को बोलते हैं .aui, और 3GP को .3GP, विंडो मीडिया को बोलते हैं .wmv। याद रखना PDF दूंगा, इस चीज़ को रट डालना, ठीक है पैड ग्रुप के बच्चे, ठीक है। वीडियो सबके लिए फ्री है इसलिए इसके लिए परेशान नहीं होना। कुछ इमेज फाइल एक्सटेंशन JPEG .jpg, bitmap.bmp, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल .gif, और टेगेट इमेज फाइल फॉर्मेट .tiff। बिल्कुल फुल फॉर्म भी पूछता है और इसके फाइल का एक्सटेंशन भी पूछता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला ऑडियो फाइल एक्सटेंशन MP3 ऑडियो फाइल,
क्या बोलते हैं डॉट एम पी थ्री ऑडियो इंटरचेंज डॉट ए आई एफ विंडो मीडिया ऑडियो फाइल डॉट डब्ल्यू एम ए और वेव ऑडियो फाइल डॉट डब्ल्यू ए वी और एम आई डी आई डॉट एम आई डी। बिल्कुल याद रखिए पैट ग्रुप के बच्चे जिनको मैं पीडीएफ दूंगा इसको निकालिए प्रिंट आउट और रटना चालू कर दीजिए, और जो पैट ग्रुप में नहीं है कॉपी में लिखिए रटना चालू कर दीजिए, यहीं से पटवारी में क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। और साथ में रेवेन्यू इंस्पेक्टर में भी, ठीक है। बिल्कुल अब मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट सब करा दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे बात कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं तक था, धन्यवाद, थैंक यू सभी को।